नमस्कार, स्वागत है आप सभी का K2S न्यूज चैनल में। मैं हूं लक्ष्मीकांत शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। संपूर्ण भारतवर्ष में 72वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान कई स्थानों पर ध्वज फहराया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए, साथ ही प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया। सभी क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई व शुभकामनाएं दी। आइए नजर डालते हैं विभिन्न क्षेत्रों के कार्यक्रमों पर। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के खेल मैदान में आयोजित हुआ, जहां कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए और प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। क्षेत्र के सभी कार्यालयों व विद्यालयों पर ध्वजारोहण भी किया गया। आइए देखते हैं कार्यक्रम की झलकियाँ। जयपुर जिले में विधानसभा अध्यक्ष श्री कैलाश मेघवाल द्वारा विधानसभा प्रांगण में ध्वजारोहण किया गया। इससे पूर्व उन्होंने अपने सिविल लाइन्स स्थित निवास पर ध्वजारोहण किया और क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ के चंद्रशेखर आज़ाद स्टेडियम में धूमधाम से मनाया आज़ादी का जश्न। संसदीय सचिव भीमा भाई डामोर व पहली बार महिला उपखंड अधिकारी सुमन मीणा ने किया परेड का निरीक्षण। निजी विद्यालयों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई व देशभक्ति के गीतों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। इस अवसर पर इंद्रदेव भी मेहरबान रहे। इंद्रदेव भी मेहरबान रहे। वहीं छोटी सरवा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण के बाद गांव वालों ने कार्यक्रम का किया बहिष्कार। प्राचार्य की अनियमितताओं के कारण छात्रों ने जलाया प्राचार्य का पुतला। आइए देखते हैं संवाददाता के पाली जिले के डायलाना कला के राजकीय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल पर ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर आयुर्वेदिक विभाग की ओर से डॉक्टर कालूराम मीणा के पदोन्नत होने पर ग्रामवासियों ने शुभकामनाएं दी। गंगापुर सिटी के उपजिला कलेक्टर को डॉक्टर अंबेडकर फ्रंट इंडिया के कार्यकर्ताओं ने देश की राजधानी के संसद मार्ग पर दिल्ली पुलिस के संरक्षक में भारत के पवित्र संविधान की होली जलाने के विरोध में प्रधानमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। 9 तारीख को जो संविधान की प्रति जलाई गई संसद भवन पर, उसके बारे में उनके जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और क्या कहना है इस बारे में आपका? आजकल आए दिनों दलितों को गो हत्या के नाम पे मारा जाता और आदिवासियों को नक्सली बता के मारा जा रहा। इस मनुवादी सरकार में दलित और मुस्लिम पर अत्याचार बढ़ते लगातार को जिस तरह दिल्ली में सरकार के सामने और पुलिस मूर्ख दर्शक बनी हुई है, उनके सामने संविधान की प्रतियां जलाई गई है। हम ये चाहते हैं कि उनकी फांसी हो, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उनको देशद्रोह के मुकदमा लगाया जाए। ये थी आज की ताज़ा खबरें। ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।